गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन से साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि साइकिल किसे कहते हैं और किस प्रकार जीवाणु प्रोकैरियोटिक सेल से लेकर यूकैरियोटिक सेल में कितना समय लग सकता है मैक्सिमम, ये सब हमने स्टडी किया था। आज हम देखते हैं कोशिका चक्र की अवस्थाओं के बारे में, जानते हैं प्रावस्थाओं के बारे में, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो कोशिका चक्र की दो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, पिछले भी चैप्टर में हमने बताया था, अंतरावस्था, वह अवस्था जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा होता है ना, जो नई बनी कोशिका है उसमें वृद्धि का क्रम चलते रहता है, वो पेरेंट उसके समान उसमें जितनी भी कोशिकी पदार्थ है वह बनते रहता है, संगठित होते रहता है और इस प्रकार वह मैच्योर होता है, फिर से कोशिका विभाजन के लिए तैयार होते रहता है। यह अवस्था जो है वह अंतरावस्था या इंटरफेस कहलाता है। सेकंड अवस्था होता है विभाजनकारी अवस्था, जिसको एम प्रावस्था यानी मल्टीफेस अवस्था कहते हैं, और ये इस अवस्था में कोशिका जो है वो विभाजित होती है, चाहे दो भागों में हो चाहे चार भागों में हो, जो भी हो विभाजित होती है। ठीक है, तो अंतरावस्था दो क्रमिक या अंतरोत्तर विभाजन के मध्य की वह अवधि है, समय है ना, अंतराल है, पीरियड है, जिसमें कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा होता है, यह अवस्था इंटरफेज या अंतरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में कोशिकाएं जो है वो अपना मैक्सिमम जीवन काल की का समय व्यतीत करती है। इस अवस्था में तेज गति से जैव संश्लेषण बायोसिंथेसिस होता है, और बायोसिंथेसिस में क्या होता है, जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ती है, जितने भी कोशिकांग है वो पेरेंट्स के समान उतनी संख्या में बनते हैं। जैसे मान लो पेरेंट्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो पेरेंट्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 10 है और संतति में 5 रह गया है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होकर 10 का निर्माण करती है। इसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गुण सूत्रों का डुप्लीकेशन है ना, तो ये सभी चलता है, तो इसे जैव संश्लेषण या बायोसिंथेसिस कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जितना जो आकार संतति के रूप में कोशिका का बना था उससे कोशिका का आकार दुगुना हो जाता है। इस अवस्था को विश्राम अवस्था या रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, लेकिन कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय अवस्था यही होती है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू संश्लेषण की क्रिया चलते रहती है। अंतरावस्था को निर्मिति प्री पैराटोरी अवस्था भी कहा जाता है। तो इस अवस्था में कौन कौन सी घटनाएं होती है, पहला तो यह कि विभिन्न पदार्थों के संश्लेषण से केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आकार में वृद्धि होती है। सेकंड ये कि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम का विभाजन होता है, जिससे दो सेंट्रोसोम का निर्माण हो जाता है। डीएनए में प्रतिकृतिकरण होता है, डुप्लीकेशन होता है, जिसके कारण डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि विभाजन के समय जो डॉटर सेल है उसमें डीएनए आधी रह जाती है, तो यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, जिससे पुनः डीएनए दुगुनी होकर पेरेंट्स के समान संख्या इसकी हो जाती है, आकार प्रकार इसका हो जाता है। चौथा ये कि ऊर्जा युक्त यौगिकों जैसे एटीपी का संश्लेषण होता है। अंतरावस्था में होने वाली संश्लेषी क्रियाओं के आधार पर होवार्ड और पेल्क ने तीन अवधियों या काल में इसको विभक्त किया था। प्रथम अंतराल काल, फर्स्ट गे पीरियड ऑफ, या फिर इसको हम जीएन फेज भी कहते हैं, इसको प्रथम वर्धन काल कहा जाता है। जब कोशिका डिवाइड होती तो सबसे पहले यही काल आता है, और इसमें सबसे पहले चूंकि यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन होना है तो उसके लिए प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है, और डीएनए के संश्लेषण की पूर्व तैयारी यहाँ पर होती है। जीवन काल की लंबाई बदलते रहती है, बार बार विभाजित होने वाली कोशिकाओं में ये अवस्था छोटी होती जाती है। स्थायी ऊतकों में विभाजन रुक जाने से जीवन अवस्था का परिवर्तन G0 अवस्था या विश्राम अवस्था में हो जाता है। याद रखो, जब विभाजन के बाद कोशिका में डीएनए का फिर से संश्लेषण की तैयारी नहीं होती है, तब यह अवस्था G0 अवस्था या विश्राम अवस्था कहलाती है। G0 वाली कोशिकाएं पुनः अनुकूल परिस्थिति आने पर G1 काल में प्रवेश कर जाती है। सेकंड अवस्था आती है S फेज या S अवस्था या संश्लेषण अवस्था।
और ये अवस्था जीवन के बाद आती है। इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। फर्स्ट जीवन फेज में जीवन डीएनए के निर्माण की तैयारी हुई है और अब यहाँ पर एस फेज में डीएनए का निर्माण होता है। हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है जो डीएनए को बांधने वाला एक प्रोटीन होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। गुणसूत्र अब दो अर्ध गुणसूत्रों या क्रोमेटिड में बट जाता है। इस अवस्था में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है डीएनए का, जिससे डीएनए दुगना हो जाता है। और जैसे मान लीजिए डीएनए की मात्रा एन है तो वो 2n, और अगर 2n है तो वो 4n हो जाता है। ये अवस्था 6 से 9 घंटे में पूरी हो जाती है। थर्ड अवस्था आती है G2 फेस, G2 अवस्था। इसको पोस्ट डीएनए संश्लेषी, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था के दौरान और अधिक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका द्रवी, कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है ना, आपका क्लोरोप्लास्ट, इन सब की संख्या भी दुगनी हो जाती है। एकल सेंट्रोसोम के भीतर स्थित सेंट्रियोल भी 2 सेंट्रियोल में बट जाता है। इसके बाद आता है एम फेज, इसको विभाजनकारी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था का निरूपण संकेत एम के द्वारा किया जाता है। मल्टीपल फेज होता है, ये विभाजन अवस्था होती है। एम माइटोसिस को दर्शाता है, माइटोसिस या मियोसिस, एक्चुअल में यहाँ पर मल्टीफेज है ना, मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, सॉरी क्या कहेंगे इसको, मियोसिस या माइटोसिस। सूत्री विभाजन, विभाजन अवस्था होती है मल्टीपल। सूत्री विभाजन या माइटोसिस होने से क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं और संतति क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। संतति क्रोमोसोम संतति केंद्रक में चले जाते हैं और कोशिका द्रव्य बटकर 2 एक समान संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये अवस्था G2 अवस्था के बाद की स्थिति है। इस अवस्था में संपूर्ण सूत्री विभाजन 4 अवस्थाओं में, प्रवस्थाओं में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और अंत्यफेज, टीलोफेज में होता है। और इस प्रकार की विभाजन की तैयारी में लगभग 90% समय लग जाता है। विभाजन की प्रक्रिया केवल 5 से 10% समय में ही पूरा हो जाता है।